बिल्कुल बड़ी। तो देखो, अगर आपको जो है वो मॉर्टर का एनालिसिस करना है और ब्रिकवर्क का एनालिसिस करना है, तो इसके लिए जो है वो कैसे करना है कि फॉर सपोज़ कि आपको 1 मीटर क्यूब का मॉर्टर आपको बनाना है, ओके, तो उसके लिए जो है वो अगर रेशियो जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, 1:4, 1:5, 1:3, 1:7 जो भी हो सकता है, ओके, तो इसमें जो है वो देखो 1 मीटर क्यूब ऑफ आपके आपको पहला स्टेटमेंट ये लिखना है कि फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ मॉर्टर 1.53 मीटर क्यूब मटेरियल रिक्वायर्ड, ओके, जिसमें जो है वो 1.33 मटेरियल रिक्वायर्ड प्लस 15% वेस्टेज। तो ऐसा जो है वो आपको ये चीज़ याद रखना होगा, ओके, और उसके बाद जो है वो आपको ये 1.53 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा मटेरियल का। उसमें जो है वो अगर सपोज करें पहले की सीमेंट की बात करें, तो सीमेंट आप देखो कि 1/7 × 1.53 आपको जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आ गया। फिर सैंड के लिए आपको जो है वो 6/7 × 1.53 करना है, तो 1 मीटर क्यूब के लिए आपको जो है वो ये वैल्यू निकल के आ रहा है कि 0.3147 मीटर जो है वो ये टन आपको मीटर क्यूब निकल के आ रहा है। और हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि हम लोग जो है वो सीमेंट को जो है वो टन में मेजर करते हैं, ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको जो डेंसिटी लेनी होगी, ओके, वो डेंसिटी 1.44 टन पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम को, ताकि आपका जो है वो मास निकल के आ जाए सीमेंट का, ओके, तो सीमेंट को हम लोग मास में जो है वो टन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो भी वैल्यू वॉल्यूम आपका आएगा उसको जो है वो 1.44 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो 0.3147 आया है वो टन है, लेकिन सैंड जो है वो हम लोग वॉल्यूम में मेजर करते हैं, तो ये जस्ट जो है वो 6.7 × 7 × 1.53 मैंने किया है, ओके ओके। उसके बाद देखते हैं कि ऐसे मोटर का आपको सिंपल जो है वो ये हो गया कि अगर आपको सिर्फ मोटर का निकालना है तो यहाँ तक बात हो गई, लेकिन अब जो है वो हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ब्रिकवर्क के लिए भी। फॉर सपोज़ कि आपको 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिकवर्क चाहिए, ओके, तो 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिकवर्क जो है वो आपका ऐसा होता है फिर कि देखो, जैसे ये अगर मैं बता दूं कि अगर जैसे देखो ये ब्रिक हो गया, ओके, तो बीच में जो है वो कुछ मोटर भी रहता है, तो मोटर जो है वो कितना रिक्वायर्ड होगा और ब्रिक्स, दोनों चीज़ रिक्वायर्ड होंगी, मोटर प्लस ब्रिक, तभी आपका ब्रिक वर्क होगा। तो उस केस के लिए हमें दोनों चीज़ को जो है वो रेट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखो, पहले जो है वो आपको क्या करना है कि डायमेंशन ऑफ ब्रिक जो है वो निकालना है विथ एंड विदाउट मोटर, ओके, डायमेंशन ऑफ ब्रिक विथ एंड विदाउट मोटर। तो देखो, ये जो है वो डायमेंशन हो सकता है या फिर ऐसा डायमेंशन हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है वो ये 200 × 100 × 100 वाला जो है वो ले रहे हैं। तो देखो, पहले जो है वो अगर आप देखोगे कि ये जो है वो जो डायमेंशन दिया गया हुआ है ये विथ मोर्टार दिया गया हुआ है, ओके, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 1 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, तो 1/0.2 × 0.1 × 0.1, तो 500 हो गया नंबर ऑफ ब्रिक्स, और नंबर ऑफ सॉरी जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार, तो ये हो जाता है 190 × 90 × 90, 10-10 सेंटीमीटर का जो है वो हम लोग मोर्टार लगाते हैं एक ब्रिक में, ओके, सॉरी 10-10 सेंटीमीटर नहीं, 10-10 mm का, ओके, यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो है वो मोर्टार लगाते हैं, ओके, तो इसमें जो है वो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क हो जाएगा 1 minus 500 × 0.190 × 0.090, तो 0.2305 मीटर क्यूब जो है वो आपका मोर्टार रिक्वायर्ड होगा 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क के लिए, ओके। तो ये जो है वो कैसे निकाला है मैंने कि देखो, अगर 1 मीटर क्यूब अगर आप ब्रिक वर्क करा रहे हो, मीन्स 1 मीटर क्यूब का अगर आप जो है वो कहीं भी ईंट का जुड़ाई कर रहे हो, तो जो है वो अगर आप उसमें से सिर्फ ब्रिक का जो है वो वॉल्यूम निकाल दो, घटा दोगे, ब्रिक का जो भी वॉल्यूम आ रहा है 500 × 190 × 90 जो मैंने लिया है, तो वो क्या है, वो सिर्फ ब्रिक है, तो अगर आप ब्रिक वर्क में से सिर्फ ब्रिक को हटा दोगे तो क्या बचेगा, तो उस मोर्टार बचेगा। तो ये जो 0.2305 आया है वो उसी तरह से आ रहा है कि पूरे ब्रिक वर्क में से आप अगर सिर्फ ब्रिक का वॉल्यूम हटा दोगे तो जो बचेगा वो होगा मोर्टार का वॉल्यूम, तो यही जो है वो 0.2305 जो है वो मोर्टार का वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद जो है वो मैंने 1 मीटर क्यूब के लिए एनालिसिस किया हुआ है, ओके, ये जो एनालिसिस आपको दिखाई दे रही है वो 1 मीटर क्यूब के लिए जो है वो यहाँ पे किया गया हुआ है कि सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कितना लगेगा, ये सब मैंने यहाँ पे ऊपर पे आपको बताया हुआ है। तो जस्ट आपको अगर 1 मीटर क्यूब का मालूम है तो 0.2305 के लिए आप निकाल सकते हो, कैसे, यूनिटरी मेथड्स के लिए जानते हो कि 1 मीटर क्यूब के लिए अगर आपको एक्स लग रहा है तो 0.2305 के लिए कितना लगेगा, तो x × 0.2305, ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे आपको जो है वो वही लगा देना है कि आपको जो है वो सैंड कितना रिक्वायर्ड होगा, तो बस इसमें जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है 0.2305 जो भी ऊपर में आपने ऑब्टेन किया है, वहाँ से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ओके। अब देखो,
मैंने वही किया है कि 0.3146 जो है वो सीमेंट रिक्वायर्ड था किसके लिए, 1 m³ के लिए, तो 0.2350 के लिए कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर सैंड का वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड ऊपर में निकल चुका था, फिर जो है वो आप जस्ट इसको 0.2305 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो है वो सीमेंट के लिए सैंड के लिए जो है वो वॉल्यूम निकल के आ गया। अब जो है वो रेट एनालिसिस करते हैं अगर लेबर का, तो लेबर देखो दो टाइप से यहाँ पे लग सकता है। एक हो सकता है कि आपका सिर्फ जो है वो मोटर को मिक्स करने के लिए, और दूसरा हो सकता है ब्रिकवर्क के लिए। ओके, तो वो उन दोनों का जो भी आपका दिया रहेगा, ये अगर आप कोड आपको अवेलेबल है तो उससे ले लो, वरना जो है वो एग्ज़ाम में ये सभी दिया रहेगा। ओके, तो ये क्वालिटी क्वांटिटी आपको दिया रहेगा, और रेट आपको खुद से अज्यूम करना है। रेट क्या किसका कितना होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप चाहे तो उसका जो है वो PDF देख लेना, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। ओके, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको जो है वो यहाँ पर अमाउंट मिल गया। और हाँ, एक चीज़ और कि सेंडिसेस जो है वो हम लोग ऐड कर देते हैं कि औजार जो कि जो है वो लेबर्स यूज़ करते हैं, तो उसका 30 रुपये मैंने ले लिया है। तो इन सभी को आप ग्रॉस ऐड कर दो, और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो टोटल कर देना है। फिर टोटल करके जो है वो उस पर 1% वाटर चार्ज लगाना है, फिर टोटल करना है, फिर जो है वो GST का 18% लगाना है। तो GST का 18% के लिए 0.18 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 0.213 से मल्टीप्लाई करना है। मैं फिर से रिपीट कर देना हूँ, GST के लिए आपको 18% के लिए 0.18 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 0.213 से करना है। और ये सही है, ओके, ये सही है एटलीस्ट फॉर आवर क्लास। ओके, तो यहाँ पे जो है वो देख लो, उसके बाद जो है वो फिर आपको टोटल करना है। ओके, मीन्स GST लो, फिर टोटल करो, फिर CPUH 15% लो, यानी कि 0.15 से जो ऊपर में आया है टोटल उस पर फिर ऐड करो। ओके, तो मीन्स हर चीज़ को जो है वो आपको लेते जाना है, ऐड करते जाना है। ओके, और टोटल करते जाना है। तो टोटल किया, फिर जो है 1% से आया, फिर टोटल किया, तो फाइनल आपका जो है वो ऐसे निकल जाता है। आप चाहे तो इसे जो है वो एक दो बार फिर से खुद से बना लो, आपका जो है वो ये प्रॉब्लम ऐसा छूटेगा नहीं। तो देखो ये 1 m³ के लिए आपको आ गया ब्रिकवर्क के लिए, और सपोज़ कि अगर आपको जो है वो 20 m³ के लिए पूछा जाए तो आप जस्ट इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको 3 m³ के लिए पूछा जाए तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका रेट एनालिसिस हो गया फॉर 1 m³ ऑफ ब्रिकवर्क एंड मोटर ऑल्सो।